नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। भोपाल राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। सवाल यह उठता है कि ऐसे में आम आदमी कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। एडिशनल SP रामस्नेही मिश्रा ने बताया था कि सूचना मिली थी हमीदिया अस्पताल कैंपस में देर रात शराब के नशे में बदमाश घूम रहे हैं, जिनको पुलिस पकड़ने गई। पुलिस टीम पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिस आरक्षक विजय यादव एवं विजय बहादुर को गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बताया गया कि अभी 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। नगर निगम द्वारा शातिर बदमाशों के अवैध कब्जे, मकानों और दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक बदमाशों के लगभग 10 जगह अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि घायल आरक्षक को हमीदिया अस्पताल में DIG इरशाद वली और SP विजय खत्री मिलने पहुंचे, वहीं आरक्षक का हालचाल पहुंचा।